हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 10th. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. कोई भी arithmetic progression, कोई भी arithmetic progression series एक ऐसी list होती है numbers की जिसमें कि उसकी हर term, each term is obtained, form होती है by adding a fixed number to the preceding term. जब उसकी जो preceding term है, यानी कि उससे जो पहले वाली term है, उसमें हम कोई एक fixed quantity, fixed number add कर देते हैं, तो हमें उसका जो next term है वो मिल जाता है. And the fixed number is called the common difference. और जो fixed number है, उसे हम क्या कहते हैं? Common difference. यानी कि suppose वो fixed number 3 है, तो हर बार उसकी जो टर्म्स हैं उसमें 3 ऐड किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका कॉमन डिफरेंस. एंड इट कैन बी नेगेटिव. ये जो फिक्स नंबर है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हमें उसकी हर सक्सीडिंग टर्म उसकी प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिलती है. एंड ये फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और ये फिक्स नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो हो सकता है. स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के. जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कई टाइप से हो सकती है. हमारे डेली लाइफ का ही हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, तो वो जहाँ पर जॉब कर रहा है वहाँ पर उसकी सैलरी विद एन एनुअल इंक्रीमेंट 500 के हिसाब से फिक्स होती है. और मान लीजिए उसकी पर मंथ सैलरी है फर्स्ट ईयर में जब उसने वो जॉब ज्वाइन की 10,000, और हर एक ईयर में उसका जो इंक्रीमेंट है वो 2,000 तय होता है, तो उसकी नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 12,000, फिर 14,000, फिर 16,000 एंड अप टू सो ऑन. इस तरह से वो जितने भी ईयर्स काम करता जाएगा, उसकी सैलरी ये तय हो चुका है कि उसका जो इंक्रीमेंट है वो पर ईयर के हिसाब से 2,000 लगेगा. तो इस तरीके से क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या बन चुकी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है. तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2,000. सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2,000. थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2,000. तो हम ये देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट के हिसाब से 2,000 हर एक ईयर में उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती गई. तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है उसकी शॉर्ट फॉर्म हम स्मॉल डी से लेंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या कहा जाएगा? 2,000. ओके. और इस सीरीज़ में जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम A1, A2, A3, A4 इस तरीके से नेम्स देंगे. जैसे कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसे हम A1 का नेम देंगे, जो सेकंड टर्म है उसे हम A2 का नेम देंगे, जो थर्ड टर्म है उसे हम A3 का. ऐसे ही एज इट इज़ हम इसके नेम्स जो हैं वो जनरेट करते जाएंगे. एंड इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी AP सीरीज़ की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरीके से कही जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, जनरल फॉर्म कह लीजिए, नॉर्मल फॉर्म कह लीजिए, A+D, A+2D, A+3D अप टू सो ऑन. मतलब जो A है वो फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, इसे हम A या A1 कुछ भी कह सकते हैं. A+D जो है वो सेकेंड टर्म, A+2D थर्ड टर्म, और A+3D फोर्थ टर्म. इस तरीके से हमें AP सीरीज को जनरल फॉर्म में देखना है. एंड किसी भी AP सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो हम उसे फाइनाइट सीरीज कहेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो हम उसे इनफाइनाइट AP सीरीज कहेंगे. स्टूडेंट्स, देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें सिर्फ
A1 आया, जो सेकेंड टर्म है उसमें A के साथ D आ गया। यानी कि जब हम फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड टर्म यानी कि जिसे हमने कॉमन डिफरेंस का नाम दिया, आपको डेफिनेशन में भी मैंने समझाया था कि फिक्स्ड जो टर्म है यानी कि जो D है, अगर वो D यहाँ पर मैंने ऐड किया तो कौन सी टर्म आ गई? सेकेंड। अगर मैंने वो D का डबल यहाँ पर ऐड किया तो कौन सी टर्म आ गई? थर्ड। अगर उस D का ट्रिपल मैंने ऐड किया तो कौन सी टर्म आ गई? फोर्थ। तो इस तरीके से हमने जो AP है उसे क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। तो अब हमारे पास कुछ हमारे डेली लाइफ के और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि जिसमें कि हम AP सीरीज़ को जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रीना है, कोई रीना नाम की लड़की है, वो अपनी पॉकेट मनी में से कुछ सेव करती है। तो उसके फर्स्ट वीक की सेविंग हम ले लेते हैं 10 रुपीज़, सेकेंड वीक वो 5 रुपीज़ और ज़्यादा सेव कर लेती है, तो सेकेंड वीक की सेविंग हम ले लेते हैं 15 रुपीज़, थर्ड वीक वो और ज़्यादा वो सेव कर लेती है, तो थर्ड वीक की जो सेविंग है वो हम ले लेते हैं 20 रुपीज़। इस तरीके से जो उसकी सेविंग्स है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी AP सीरीज़ है वो क्या हो चुकी है? जनरेट हो चुकी है। जो फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या ली? 10। जो सेकंड टर्म है वो हमने क्या ली? 15। जो थर्ड टर्म है वो हमने क्या ली? 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा D क्या कहा जाएगा? 5। A क्या कहा जाएगा? 10। और इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हो गई 10। जो सेकंड टर्म है, अगर हम इसको जनरल टर्म का रूल फॉलो करें तो 10 + 5, देन 10 + 2 × 5, देन 10 + 3 × 5, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? जनरेट हो गया। तो देखिए 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पर हम इस जनरल फॉर्म के फॉर्मूला से A और D की हेल्प से भी AP को जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है तो आप उससे कैसे पता लगा सकते हैं कि वो लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में इंक्लूडेड है या नहीं। देखिए, अगर हमारे पास कोई लिस्ट इस तरीके से दी हुई है, जैसे मान लीजिए उसकी फर्स्ट टर्म है 4th, 8th, 10th, 9th up to so on, इस तरीके से एक सीरीज दी हुई है, लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, और आपको ये पता लगाना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर AP सीरीज है या नहीं। तो आप किस तरीके से पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको इसके सेकंड टर्म में से जैसे कि हमें कॉमन डिफरेंस पता लगाना है, कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर AP सीरीज है या नहीं। देखिए A2 - A1, 8 - 4 हमारे पास क्या आ गया? 4। और फिर A3 - A2, 10 - 8 हमारे पास क्या आ गया? 2। तो फर्स्ट टू स्टेप्स के बेसिस पे ही हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस है वो 4 है, और जो सेकंड स्टेप में डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। तो इस तरीके से फर्स्ट टू स्टेप्स में ही जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ गया। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो AP सीरीज नहीं है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है AP सीरीज जिसे हम कहते हैं वो ये नहीं है। तो अब हमने ये पता लगाना है कि कोई भी सीरीज में आपको अगर जनरेट करनी हो टर्म्स, यानी कि अगर आपको 2 या 3 टर्म्स दी हुई हैं और आपको अपकमिंग टर्म्स उसकी चाहिए, तो आप किस तरीके से वो टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई AP सीरीज है या आपको गिवन है 12, 14, 16, इस तरीके से मैंने आपको 3 टर्म्स दे दी और अपकमिंग टर्म्स का आपको पता लगाना है, तो एक लॉजिक है उससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है इसे हम A का नाम देंगे, A की वैल्यू कितनी है? 12। इसकी जो सेकेंड टर्म है उसे हम A2 का नाम देंगे, वो कितनी है? 14। इसे A या A1 भी कह सकते हैं। इसकी जो थर्ड टर्म है उसे हम A3 का नाम देंगे, वो क्या है? 16। तो अब हमें इसकी फोर्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, और हमें इसकी सिक्स टर्म चाहिए, यानी कि 3 टर्म्स के बारे में आपको बताना है। तो इसकी जो फोर्थ टर्म है अकॉर्डिंग टू इट्स जनरल फॉर्म वो क्या है? A + 3D,
यानी कि स्टूडेंट्स आप बस एक बात अपने माइंड में रखिए कि अगर आपको फोर्थ टर्म बतानी है तो डी के साथ आपको थ्री प्लेस करना है, उसी तरीके से अपकमिंग टर्म्स में आपको पता लगाना है। देखिए ए प्लस थ्री डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू स्टूडेंट्स आप एक स्टेप में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि आपको ये गिवन है कि एपी सीरीज है, तो एक स्टेप में डी को फाइंड करने से आपका काम चल जाएगा। जैसे कि 14 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे 2, तो 12 प्लस में 3 टू जा 6, 12 प्लस में 6 क्या आ गया 18, तो यानी कि 12 14 16 के बाद जो हमारी टर्म है वो क्या है 18। उस तरीके से सिमिलरली आप इसकी फिफ्थ और सिक्स टर्म फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसकी फिफ्थ टर्म के लिए A5 में A प्लस 4D अप्लाई करें तो A की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 12 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 2, तो 12 प्लस 4 टू जा 8, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 20। उस तरीके से हम इसकी सिक्स टर्म सेवन्थ कितने भी टर्म्स आप स्टूडेंट्स फाइंड इसके कर सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ इसकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाए कि आप उसकी 100 टर्म बताइए, आप उसकी 22nd टर्म बताइए, 23rd टर्म बताइए, तो इसी लॉजिक का यूज करके आप उसकी टर्म्स को बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट टर्म में देखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमें ये गिवन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिचुएशंस गिवन है, उन सिचुएशंस के बेसिस पे आपको लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म करना है, और फिर आपको ये पता कर आपको ये पता लगाना है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी सीरीज जनरेट कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो क्यों, क्योंकि एपी सीरीज जनरेट करने के लिए, एपी सीरीज को पता लगाने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर जो हम लिस्ट ऑफ नंबर उस सिचुएशन के बेस पे बना रहे हैं तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो आपका सेम है तो मतलब वो एपी सीरीज बन रही है, अदरवाइज वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी सीरीज नहीं कही जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं कही जाएंगी। तो देखिए इसका जो फर्स्ट सम है वो है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer, the taxi fare after each kilometer when the फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखिए एक कोई पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर टैक्सी फेयर जैसे कि तय होते हैं, वहाँ पर यह तय है कि अगर आप कोई टैक्सी हायर करते हैं तो आपको उसके फर्स्ट किलोमीटर का रेंट जो है वो 15 रुपीज़ देना होगा, और अगर आपको एक किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करना है तो हर बढ़ते हुए किलोमीटर के साथ उसका जो रेंट है वो 8-8 रुपीज़ 8-8 रुपीज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, हाँ जी फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो कितना है 15 रुपीज़ है। टैक्सी फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ क्या हो गए ऐड हो गए, तो वो जो टैक्सी फेयर है अब वो कितना, अगर किसी ने 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना है उस टैक्सी से तो उसे कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा 23 रुपीज़। एंड द टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर, तो 23 में ही अब हम 8 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बिकॉज इतने रुपीस तो उसे देने ही देने होंगे साथ में, पर नेक्स्ट किलोमीटर के हिसाब से उसे 8 रुपीस और भी पे करने होंगे, तो वो कितना हो गया 31 रुपीस। तो अब हम एक स्टेप इसका और लिख लेते हैं, तो यहाँ पर टैक्सी फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 31 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 39 रुपीज़। तो इस तरीके से अप टू सो ऑन हमारी जो पर एडिशनल किलोमीटर के साथ वो क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, हेयर द लिस्ट इज, मतलब यहाँ पर जो लिस्ट है वो किस तरीके से बनी है हमारी 15 23
31, 39 इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो बनी है। अब हमें पता लगाना है कि जो लिस्ट है ये एपी सीरीज है या नहीं, तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम A2 में से इसकी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस करके दिखाएंगे। तो 23 माइनस 15 तो कितना होगा, यहाँ पर 8 रुपीज़ लिखने की अभी नीड नहीं है क्योंकि हम इस लिस्ट हमें से एक लिस्ट के तरीके से लेके चल रहे हैं, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसे लेके चल रहे हैं। तो A3 माइनस A2, हाँ जी, 31 माइनस 23 कितना हो गया यहाँ पर 8। इस तरीके से A4 माइनस A3 ये कितना हो गया, 39 माइनस 31 कितना हो गया 8। स्टूडेंट्स अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक स्टेप में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 8 8 8 वो क्या है, सेम है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स हमारा जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, एपी सीरीज है। तो नीचे हम ये नोटिफिकेशन दे देंगे, सो यस दिस लिस्ट ऑफ नंबर कैन बी कॉल्ड एन एपी सीरीज बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। हम रीजन भी दे देंगे बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसका इस फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हैं। तो जो इसका थर्ड पार्ट है मैं आप एक बार आपको वो बता देती हूँ, तो उसके बेसिस पर ही आप इसका फोर्थ पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ ट्राई। एंड आई होप कि आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड ₹50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, स्टूडेंट देखिए एक वेल को डिग करने का जो कॉस्ट है, अगर उसे 1 मीटर तक डिग किया गया तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, ₹150। और अगर उसे ईच सब्सिक्वेंट मीटर यानी कि हर फर्स्ट मीटर पर तो कॉस्ट ₹150 है और सेकेंड मीटर का जो कॉस्ट है वो ₹50 एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसी तरीके से नेक्स्ट मीटर जैसे ही वो डिग करते जाएंगे उसको वेल को यानी कि उस कुएं को खोदते चले जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो ₹50 के हिसाब से ईच एडिशनल मीटर के हिसाब से क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स राइट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल ऑफ फर्स्ट मीटर। हाँ जी, कितना कॉस्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, ₹150 फर्स्ट मीटर का कॉस्ट है। और जो सेकेंड मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल ऑफ फर्स्ट सेकेंड मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, सेकेंड मीटर का ₹50 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी कि 150 में हम 50 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ₹200। ठीक है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल थर्ड मीटर, मतलब उस वेल को डिग करने का थर्ड मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, आप 200 में फिर से 50 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ₹250 आ गया। स्टूडेंट इस तरीके से हम जो ये सीरीज है उसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम राइट करेंगे कि जो लिस्ट है वो हमारी क्या बनी है, 150 200 250 इस तरीके से ये सीरीज है, ये क्रिएट कर लेंगे हम। और अब हम चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी सीरीज है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना हो गया, 50। A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 इज 50। तो टू स्टेप्स में ही स्टूडेंट्स हमें ये पता लग गया। आप चाहें तो एक दो स्टेप्स और कर सकते हैं इसमें ऐड। तो अब हमें ये पता लग गया है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, और ये सीरीज क्या है, एक एपी सीरीज है। तो आप इस तरीके से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से और नीचे आप एक और डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि यस दिस इज एन एपी सीरीज बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ नंबर गिवन सिचुएशंस के बेस पे आप फॉर्म कर रहे हैं वो एपी सीरीज है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक सीरीज जनरेट करनी है, उस सीरीज के बाद हमें ये पता लगाना है
टर्म्स सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रिसीडिंग टर्म्स को माइनस करके कि वो एपी सीरीज है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आप इस पार्ट के फर्स्ट सम के जो नेक्स्ट टू पार्ट्स जो रह गए हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं और एक बार इसको अच्छे से समझ के आप आई होप आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स।